चलिए सर, बाहर जनता अपनी होने वाली सीएम से मिलने के लिए बेकरार है। इस बार घाट को पर महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित कर दिया गया तो क्या हुआ? हमने हमारी जगह हमारी धर्म पत्नी श्रीमती देविका शेखावत को सीएम पद के लिए खड़ा कर दिया है। आप देखिएगा, जीत हम ही लोगों की होगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। देविका जी जिंदाबाद, 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 देविका जी हम पे उपकार कीजिए। जब से ये बांध ढह गया है ना, सब कुछ तहस नहस हो गया है, हम लोग बर्बाद हो गए हैं। देविका जी कुछ कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना देविका जी की तरफ से इनको 5 लाख का चंदा, और कुछ भी समस्या हो तो पार्टी ऑफिस आइए, देविका जी सब क्या सुनेंगी। देविका जी हम ना सोच रहे थे कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। जाइए अचार लेके आइए। नहीं, जिन लोगों को आपने पैसे दिए हैं ना उन लोगों के बोरा गई हो क्या? तुमको क्या लगता है हमने सच में पैसे दिए? दिखाने के लिए करना पड़ता है। मतलब तुमने एक अंगूठा क्या लगाया, इतना जोर आ गया कि हमसे मतलब पूछ रही हो? एक बात अच्छे तरीके से दिमाग में घुसेड़ लो, तुम्हारा काम केवल अंगूठा लगाना है, बाकी हम देख लेंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बात लेके आइए। महिला कोटे के कारण इनके लिए अपनी सीट छोड़ना पड़ा, और यह है कि एक ही दिन में चूल्हा चौका सब भूल कर अपना दिमाग लगा रही। राजनीति किस चिड़िया का नाम है जानती हैं आप? माँ तुम भी ये पॉलिटिक्स वगैरह में पड़ा मत करो, ये औरतों के लिए नहीं है। यहाँ पर मैदान में उतर कर लोगों के साथ लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। वैसे भी पापा है, वो सब संभाल लेंगे। रख दीजिए, रोटी खाने के बाद ही खाएंगे। पहले किसी मर्द के साथ कोई? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई अब तक। ये गाउन जरा ऊपर करो। कितने लड़के थे? पता नहीं।
खाना लगा देती हूँ, खा ले, आ जा, खा ले चल। मुझे भूख नहीं है। अरे रात के 2:30 बज गए हैं मुन्ना, हाँ? इतनी रात का कोई बच्चा घर आता है क्या? चल चल मैं लगा देती हूँ खाना, आ जा। मुझे कुछ काम था और आप मेरा दिमाग को खराब कीजिए। मुन्ना इधर देख, ए मुन्ना क्या हुआ? पी के झगड़ा करके आया घर से? हाँ 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 किया तो क्या? देखिए आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, मेरा दिमाग पहले से ही घुमा हुआ है, समझी? हट जा। बैठिए बैठिए। सर ये रही अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट। हमें लगता है कि आपकी भाभी को अपना फर्स्ट फेज का कैंपेन नॉर्थ बेल्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है वहां पर। बैकवर्ड कार्ड खेलना चाहिए, क्या बोलते हैं कौशिक? जी सर। कोई केस निकालो, मुद्दा उछालो और उनकी मदद करो। तुम हम कह रहे थे कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, बीच में बोलना जरूरी है क्या? सिलाई कढ़ाई का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, जरूरी काम हो रहा है। तुमको कितनी बार बोला है कि ज्यादा मत सोचा करो? हम तो चाहे पूछ रहे हैं। तो लाओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? सुनिए सबके लिए भेजिएगा। इतनी मुसीबतें कम थी जो एक और पाल ली। सर वो डीसी भी साहब आए। बेवक्त दरवाजा खटखटाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? भैया मामला ही कुछ पेचीदा था। अरे तो तुम ढुल्ले सीधे मामलों के साथ आते हो कभी? बोलो किसका डंडा घुसा है? भैया कल रात एक लड़की का गैंगरेप हुआ है। मैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो सारे मामलों की रिपोर्टिंग हम ही करोगे क्या? बात वो नहीं है भैया, उस लड़की ने बयान में रणबीर का नाम लिया। क्या? इलेक्शन सर पे है, 2 महीने रुक नहीं सकता था। अपोजिशन तो वैसे ही तपा बैठा है कि कब कोई नुक्स निकले और कब राशन पानी लेकर हम पर चढ़ जाए। ए रणे, रिपोर्ट दर्ज हो गई क्या? अरे भैया हम किस लिए हैं, इतने पुराने संबंध हैं, ऐसे ही मिट्टी डाल देंगे क्या? पहुंचने नहीं दिया उसे थाने, सिर्फ बयान लिया है। वो तो अच्छा हुआ कि बलात्कार अपोजिशन के एरिया में नहीं हुआ। राणे एड़ी चोटी का जोर लगा देना, लेकिन बात खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये मीडिया और अपोजिशन मांस नोच लेगा। वो तो बात की बात है सर, पहले तो अपनी पार्टी के ही दूसरे उम्मीदवार गला काटने से नहीं चूकेंगे। अरे जितना चाहिए पैसा लुटाओ, और इलेक्शन कैंपेन पर आज नहीं आना चाहिए। आप हुक्म कीजिए सर, इलेक्शन होने तक लड़की को नजरबंद कर देते हैं। अरे वो तुम्हारा सरदर्द है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर बात लीक हो गई ना तो अम्मा की कसम चीर कर रख देंगे तुमको। नहीं होगी सर, बहुत छोटी सी बात है, लड़की दारू पिए हुए थी। अपोजिशन की चाल बताकर लड़की का कैरेक्टर खराब करने में कितना वक्त लगता है। दो रेप किए और ऊपर से जिंदा छोड़ दिए। अरे इतनी ही जवानी मचल रही थी तो हमसे कहते। गलती उसकी थी, उसने हमारी बात नहीं मानी और जोर दिखाने के चक्कर में मैंने उसे। हमने भी कांड किए हैं तुमसे बड़े बड़े, पर निशान नहीं छोड़े। 3-3 केस धो रहे हैं तुम्हारे। लल्ला क्रिमिनल वो नहीं होता है जो क्राइम करता है, क्रिमिनल वो होता है जो सबूत छोड़ता है। तो क्या पुलिस पकड़ लेगी अब? आप बीच में मुंह मत मारिए, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। एक जवान लड़का नहीं संभलता है आपसे।
बाहर रहते हैं दिन भर तो? हाँ, तो ये दिन भर बाहर रहते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपने सारे बाहर के काम छोड़कर इन साहबजादे की निगरानी पर बैठ जाते हैं। यही समय मिला था हमारी, जानते हो इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ है? कुछ भी गड़बड़ हुई ना, सब तुम्हारे निकालेंगे, हम बता रहे हैं। अब हो गई गलती, संभाल लीजिए। हाँ, गलती हुई है, संभालेंगे। तुम गंदा फैलाओ, हम उठाएंगे। अरे मुन्ना, ये पाप क्यों किए तुम? अब फिर बीच में बोली, और ये पाप नहीं किया है, गलती किया है। हम संभालेंगे, आप जाइए, किचन संभालिए, जाइए। क्या सोच रहे हैं जी? यही कि बात फूटी तो भी लड़की नहीं निकलना चाहिए, तो बहुत सारे वोट फंस जाएंगे। आप सब कुछ संभाल रहे हैं ना जी, तो वोट तो मिलेगा ही, लेकिन वो लड़की की इज्जत तो... वो भी आ जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, अगर मुंह खोलेंगे तो पैसा ठूस देंगे। जाने कौन से जन्म के पाप किए हैं जो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। हमें तो डर लगता है जी, कहीं उस लड़की की आह हमको लग गई। क्या नाथ ना बक रही हो? नहीं जी, औरत की आह बड़े बड़े सत्ता को पलट देती है। अगर हमें लग गई तो नहीं होगा। इस पाप पुण्य के चक्कर से बाहर निकलो और कुछ और सोचो, कल से कैंपेनिंग शुरू करना है। आपको थोड़ा भी नहीं लगता कि मुन्ना गलत किए हैं? चार धाम कर लेंगे, सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे। एक बात याद रखना कि अगर इस पाप पुण्य के चक्कर में उलझकर कुर्सी चली गई ना, तो आपके लिए सब कुछ कुर्सी ही है क्या? डर नहीं लगता कि जब भगवान के दरबार में जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा तो क्या करेंगे? अरे जब मरेंगे ना, तब की तब देखेंगे। अभी जो तलवार सर पर लटकी है उसके बारे में सोचें। 30 साल लगे हैं ये इडिया घिसते घिसते, तब जाकर 50 लोग भैया जी बोलते हुए आगे पीछे घूमते हैं। एक दिन में पाप पुण्य का सोच कर ही सब पर पानी फेर दें। और जब कुर्सी पे बैठेंगे तो मन पे जो बोझ रहेगा उसका तो तुम्हें क्या लगता है कि इतने नेता जो सफेद खादी पहनकर कुर्सियों पर बैठे हैं वो बिना बोझ के बैठे हैं? देख मां, तेरी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा हमको नहीं पता, लेकिन इतना समझ ले कि राजनीति एक शेर की तरह है जिस पर बैठकर हम दौड़ रहे हैं। इससे उतरने का अगर सोचेंगे ना, तो यही शेर हमें सबसे पहले खाएगा, और हमें कोई शौक नहीं है शेर के मुंह में सर देने का। ये बोझा उतारने का अगर सोचेंगे ना, तो हमारी पार्टी वाले जो हमारी और ताक लगाए बैठे हैं, नोच खाएंगे हमें। घुसा कुछ? भैया जी चोटा लाने चारों तरफ बवाल मचा दिया है। क्या हुआ? पूरा अपोजिशन जगह जगह इस मुद्दे को उछाल रहा है कि रणबीर बाबू ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते, प्रेस क्लब से फोन। हाँ जी पत्रकार जी, नमस्ते। अरे नहीं 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 नहीं, अफवाह है, सफेद झूठ। इलेक्शन का टाइम है, आप तो जानते हैं, सब चलता रहता है। आप तो जानते हैं हमारे रणबीर बाबू कितने संस्कारी हैं, किनके संस्कार हैं उनमें है? नहीं नहीं, आप बस इतना फेवर कीजिए कि इग्नोर कीजिए बस। जी थैंक यू। रणे को कहा था हमने लीक नहीं होना चाहिए। नमस्कार, संजीव जी आइएगा। नमस्कार। जोरों की अफवाहें चल रही हैं कि आपके बेटे का नाम एक बलात्कार के केस में शामिल है। अफवाह है, अपोजिशन की हमारे ऊपर कीचड़ उछलने की साजिश है और कुछ नहीं। बस एक सवाल था सर मैडम से, फर्ज कीजिए कि आपका बेटा वाकई किसी इसी तरह के कामों में अगर फंस जाए तो क्या आप उसे भी जेल के सलाखों के पीछे डाल देती? हाँ हाँ बताइए बताइए देविका जी।
एक बात बताओ, क्या किया है, क्यों उठ के आई वहां से? इससे जिन लोगों को शक हुआ होगा उन लोगों का भी शक यकीन में बदल गया होगा। बोलो क्यों उठ के आई वहां से? हम झूठ नहीं बोल सकते। क्या झूठ? अरे उदाहरण बोल के प्रश्न पूछा था, उदाहरण समझ कर जवाब दे देती। लेकिन जो सच है वो सच ही है ना। क्या है सच? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में डालो। और ये जो सच का स्लेट अपने चेहरे पर लगाकर घूम रही हो उसे मिटाओ और उस पर लिखो राजनीति, इसमें सब चलता है। तुम चार मीडिया वालों की चालाकी को समझ नहीं पाई, चालाकी से इस देश को क्या संभालोगी? देखिए जी, हम इसीलिए कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम ना झूला चौका में ही ठीक है। हाँ, हमसे ये सफेद झूठ नहीं बोला जाएगा जी। माना कि हमारा बेटा है वो, लेकिन जिसका बलात्कार किया है वो भी तो किसी की बेटी है ना। हाँ, किसी बेबस लड़की के दर्द को हम तमाशा कैसे बना सकते हैं? हमसे नहीं होगा ये राजनीति। तो क्या होगा तुमसे? क्या होगा? तुम इतना सोच सकती हो कि तुम माँ उसकी? माँ, और माँ वो होती है जो अपने बच्चों के ऐप पर पर्दा डाले, और तुम पूरे मीडिया के आगे बोलकर आ गई हो, देखो हम घबरा कर जा रहे हैं, हमारा बेटा बलात्कारी है। लेकिन ये तो सच है। हम सबके सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ कैसे बोलेंगे? हाँ बेटा है हमारा, लेकिन कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया उसने, बलात्कार किया है। और उस लड़की जो है ना, हमारे बेटे के दरिंदगी का खामियाजा भुगत रही है, उसके बारे में सोचा आपने? ए, सुनो, लेक्चर बंद करो हमको, ठीक है? इतना जान लो कि रणवीर हमारा बेटा है और शायद तुम्हारा भी, और हम तुम्हारा ही इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, और तुम्हारी इस महानता के चक्कर में हम अपना दिल्ली जाने का रास्ता बंद नहीं करेंगे। दिमाग देखो, आ गया ससुराल से फोन। जी भैया। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कुछ लोग गुनाह करने के बाद कितने आराम से बैठे रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुन्ना, तू तो मेरा मुन्ना था ना, तू कब बदल गया रे? मतलब पूछेगा तू? तुझे पता नहीं तूने क्या किया? तूने एक औरत का अपमान किया है। मैं तेरी माँ हूं ना, मैं एक औरत हूं, और ईश्वर चाहेगा तो तेरे घर भी एक बेटी पैदा होगी। अपनी जिंदगी की इन औरतों के लिए, इन औरतों का कोई मोल है तेरी जिंदगी में है? या सिर्फ इन औरतों का मोल है, बाकी औरतें सिर्फ वस्तुएं हैं जिन्हें जब चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल किया फेंक दिया। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो, मगर तुम्हें समझ। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष हमारी परवरिश में है। हमसे गलती हुई है कि तुम औरत को उसका ओहदा नहीं दे पाए। ओहदा? ओहदा क्या होता है? औकात होती है, और औरतों की औकात इतनी बड़ी होती ना तो ये दुनिया मर्दों से नहीं चलती। ये औरतों की विनम्रता है। एक दिन अगर औरतें थम जाएं तो मर्दों को ये समझ में नहीं आएगा कि अगला कदम वो कहां रखें। हम औरतें बनी रहना चाहती हैं मुन्ना, इसलिए मर्द हमें पैरों की जूती समझ लेता है, लेकिन जिस दिन ये जूती अपनी औकात में आ जाएगी ना,
इज्जत उतार के दम लेगी, समझा तू? बस बस, माँ हूँ ना इसलिए सुन रहा हूँ, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। सिखाया नहीं है तभी तो ऐसा निकला है तू। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है? पाप कौन नहीं करता, इतने सारे क्रिमिनल्स खुलेआम घूमते हैं, गोलियां बरसाते हैं, बम फोड़ते हैं। अरे मैंने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, सब मुझ पर चढ़ने लगे। चढ़ने लगे? मुन्ना अपने गिरेबान में झांक कर देख, झांक कर देख। तू तू जिस दिन तूने अपनी माँ का आंचल छोड़ा ना, उस दिन तेरा पतन शुरू हो गया है। तुम इतना गिर गया है, तुझे पता ही नहीं तूने कितनी घनौनी हरकत की है। और आज तू औरों के गुनाह गिनाकर अपने आप को छुपा रहा है। और गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सही है। समझ बात को मुन्ना। देख मेरा मुन्ना, अभी वक्त है, मैं हूं तेरे साथ मुन्ना। तू इतना मेलोड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रणबीर शेखावत हूं, फ्यूचर सीएम का बेटा, और इस स्टेट में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक तो साइन करने आता नहीं है और आ गई शेखी बिगाड़ने। माजी धीरज, किस बात की रिपोर्ट? मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ है। बलात्कार? कहाँ है बेटी? सरकारी अस्पताल में, उसकी हालत बहुत खराब है भैया जी। उन लोगों ने हमें जैसे नजरबंद करके रखा है, मेरे पर कोई दूसरा इंस्पेक्टर है, पता नहीं मैं कैसे भाग कर आई। हमारी मदद कीजिए भैया जी, हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं अभी बड़े साहब से बात करके कुछ करता हूँ। आप बैठिए, आप कहीं नहीं जाइए, आप बैठिए। अरे वही तो कह रहा हूँ, थाने भाग कर आ गई है, रोक के रखा है। ठीक है आप आ जाइए, आप चिंता मत कीजिए, भागने की कोशिश करेगी तो कमरे में बंद कर दूंगा जी, बस आप आ जाइए। ठीक है सर, ओके सर। अरे बंसी ये कहाँ गई? अरे तो कितना भी एडी का जोर लगा ले, मैं अपने बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। पीछे। हाँ चला यार, पीछे। माँ कह रही है पीछे चला। मैं अपने बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। कर रही हो? ये उस अभागन बेटी की माँ है जिसका बलात्कार तुम्हारे बेटे ने किया है। जब तक साबित ना हो जाए आरोप लगाना जुर्म है, मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर। अरे तू क्या करेगा, तू खुद जानता है सच्चाई कि तेरे बेटे ने मेरे बेटी का बलात्कार किया है, और अब सारी दुनिया जान जाएगी कि तेरा बेटा बलात्कारी है। अरे अरे कैसी माँ है तू, चुपचाप यहाँ खड़ी है? अरे तेरे पास दिल है कि नहीं? अरे अरे दूसरों के घरों में आग लगाकर खुद उससे बचना चाहती है? तूने एक सपने को जन्म दिया है, वो तुझे जरूर डसेगा। चलो यहाँ से, चलो ये एक माँ की पत्नी है। चलो 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 याद रख। चलो यहाँ से, चलो खड़े बैठा। अब बाहर क्या कर रही है? बैठिए अंदर। बैठो गाड़ी में, बैठो। हमने कहा बैठिए। Yeah.
हमें माफ कर दीजिए। हमने आप जैसे बड़े लोगों पर उंगली उठाई। अगर आप कहेंगे तो हम दुनिया वालों के सामने कहने के लिए तैयार हैं कि आपका बेटा निर्दोष है। आपके बेटे ने तो इसका एक बार बलात्कार किया है, लेकिन आपके राज में इसका हर वक्त बलात्कार हो रहा है। मीडिया वाले, प्रेस वाले, नेता, नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम अपने मुसीबतों का सामना खुद कर लेंगे। मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि आप घर जाकर अपने परिवार के साथ बैठकर सिर्फ एक बार सोचिए, अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो एक औरत होने के नाते बस इतना ही कीजिए। नमस्कार। गई जी, अस्पताल गए थे हम। क्यों, उस दिन मीडिया वालों के सामने कम तमाशा हुआ? जो आज अस्पताल पहुंच गई ढिंढोरा पीटने। उस लड़की को देखा हमने, बहुत खराब हालत है उसकी। हमको बहुत तकलीफ हुई उसे देख के। आप लोग तो ताकत के नशे में ऐसे चूर हैं कि किसी और का दर्द दिखता ही नहीं आपको। देखिए, हमने साथ फेरे लिए हैं आपके साथ। आपके पाप और पुण्य के भागीदार होने का वचन दिया है हमने, लेकिन इस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। एक औरत वो थी जो अपने पति के लिए यमराज से भिड़ गई थी, और एक आप है जो हमारी ही कब्र खोदने में लगी हुई है। कहे थे ना, हमसे नहीं होगी आपकी राजनीति। कहे थे ना। तो एक काम कीजिए, आप मदर इंडिया बन जाइए। आप समझते क्यों नहीं है जी, हमसे झूठ नहीं बोला जाता है, हम पकड़े जाते हैं। हमारे लिए साचा झूठ वही है जो सामने दिखता है जी। झूठ को सच, सच को झूठ कैसे बनाए, हमें यह गुर नहीं आता है, हम नहीं कर पाएंगे। आप समझिए हमारी बात को, हमसे नहीं होगा। मैं समझ गया। ठीक है, सुनो, हम पति हैं तुम्हारे, हम नहीं समझेंगे तुम्हें तो कौन समझेगा। चलो सिखाते हैं तुमको, आओ ना। इसको छोड़ दे। देखो, तुम यहां खड़ी हो, देविका, देखो हमारी आंख के सामने 50,000 लोग बैठे हुए हैं, और हमें इन सबको ये समझाना है कि हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया है, और ये बहुत आसान सा काम है। घबराओ मत, आराम से इन लोगों को समझा कर कह दो हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया है। लेकिन बाबू, ये लोग सब समझ जाएंगे, इन्हें एक बार ठीक से समझा दो, हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया। मीडिया वाले कुछ भी कहें, आप विश्वास मत कीजिए, हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया। ऐसा कहें, हम तुम्हारे साथ हैं। कहो कहो।
उम्र। देखो अगर तुम नहीं बोलोगी तो करियर बर्बाद हो जाएगा। हमारे बेटे ने तुम क्यों घबरा रही हो? ये देखो बहुत आसान है, हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया है। हमारे क्यों घबरा रही हो? तुम क्यों घबरा रही हो? हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया है। समझाओ तो ना, समझाओ ना। अच्छा चलो हंस कर बोलो। हमारे बेटे ने ऐसे बोलोगे तो समझेंगे। उन्हें समझाओ। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हमारे बेटे ने बलात्कार किया। तुमने हमें जन्म दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी जान ले सको। बंद कर देना और खोलना मत इसे, जब तक ये बोले ना कि हमारे बेटे ने बलात्कार नहीं किया है। माँ बेटी को शहर से बाहर ठिकाने तो पहुंचा दिया है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है। और अपोजिशन तो इस मामले को जरूरी बार बार उछाले गई। करें क्या ये बताओ? मेरे ख्याल से तो भाभी जी को एक बार प्रेस के सामने तो लाना ही पड़ेगा। सर ऐसा कैसे चलेगा? वो इस इलाके की कैंडिडेट है, हम जनता को क्या जवाब देंगे? बोलने का बीमार हो गई है। अरे नहीं सर, इससे तो मुद्दा और उछल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा कि हम स्टोरी को कवर अप कर रहे हैं। सर प्रेस के सामने एक बार सारा क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के घर आ गई थी, भाभी जी उसको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कौशिक ये सब मुझे पता है, हमको सॉल्यूशन बताओ। रणबीर शेखावत ने बलात्कार नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हम बात करेंगे सबसे। देखिए हम समझ गए हैं कि जो सही और गलत दिखता है वो सच में सही या गलत नहीं होता है, जो सही में सही या गलत होता है। सही या गलत वो होता है जिसे हम सही या गलत मानते हैं। ठीक है ना? हम रात भर प्रैक्टिस किए जी। कूड़ है, महाकूड़ है हम। हाँ
अपने ही बेटे के खिलाफ जा रहे थे। छी, देखिए हम समझ गए हैं कि जिंदगी सबके साथ मिलकर जिया जाता है, सबसे कट के थोड़े ही। हम स्वार्थी हो गए थे जी, हमारे अंतरात्मा, हमारा बोझ, हमारा ये, हमारा वो, और आ गए थे। माफ कर दीजिए ना जी। अरे तो क्या हुआ, हमारे बेटे बलात्कार किया तो क्या फर्क पड़ गया? कल किसी का खून करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम माँ हैं, पर्दा डालेंगे उसके ऊपर, हमारा फर्ज बनता है ये। ठीक, कल से कैंपेन शुरू, कल के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। नमस्कार। नमस्कार, आप जानना चाहते हैं कि हम उस दिन मीडिया के बीच से क्यों चले गए थे? तो सच्चाई ये है कि हमारे अंतरात्मा पर बहुत बड़ा बोझ था, बहुत तकलीफ हो रही थी हमें। अरे माना कि हमारे बेटे पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन पीड़ा तो एक औरत को हो रही थी ना, इसलिए आपके सामने खड़े होकर भाषण देने या सफाई देने के बजाय हमने जरूरी समझा कि हम जाकर उस औरत की मदद करें, इसीलिए अस्पताल भी गए थे हम। और अच्छा हुआ हम अस्पताल गए थे, वहां जाके हमें सच्चाई का पता चला। और सच्चाई ये है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है वो लड़की? जी हाँ, नहीं तो उसने केस दर्ज क्यों नहीं करवाया अभी तक? वो जानती है कि उसके सभी इल्जाम बेबुनियाद है ना, इसलिए नहीं दर्ज करवाया। रणबीर मासूम है, बेकसूर है। और अब अगर हम कहें कि अब तक हमने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है, तो क्या आप मानेंगे? इस बीच हमने शेखावत जी से बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना यह है कि राजनीति के स्लेट पर सच को झूठ और झूठ को सच जो सही तरीके से बना ले वही सफल राजनेता है। इसलिए जो कुछ भी हमने अब तक कहा वो एक राजनेता के तौर पर कहा, और अब जो कुछ हम कहने जा रहे हैं वो एक माँ का फर्ज निभाने के लिए कहेंगे। सच की तरफ आंख बंद कर लेने से झूठ सच नहीं हो जाता है। दुर्भाग्य से जीवन भर हमने यही किया है। हमारे पूज्य पति ने जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा वही हमने किया, हमारे पूज्य पति ने जो कुछ भी हमें मानने के लिए कहा वही हमने माना, और पति प्रथा धर्म निभाते निभाते हम माँ का फर्ज निभाना भूल गए थे। यही हमने गलती। अगर आपका बच्चा गलती करे और आप उसे सजा ना दें, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका बच्चा ही आपको पलट के डस लेगा। दुर्भाग्यपूर्ण यही हुआ है हमारे साथ। जी हाँ, बलात्कार हुआ है, और बलात्कार किसी और नहीं, हमारे बेटे रणबीर ने किया है, और ये बात उसने खुद हमारे सामने कबूल भी की है। और हमारे पति ने अपने कुर्सी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत का मुंह बंद करके उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया, और जब हमने कोशिश की सच बोलने की तो हमें घर में बंद कर दिया गया। खैर वो छोड़ी, आज हम देवी का शेखावत ये बयान देना चाहते हैं कि रणबीर शेखावत ने साक्षी लाल का बलात्कार किया है, और उनके पिता संजीव शेखावत ने इस गुनाह को छुपाने के लिए योगदान दिया है। धन्यवाद।
ये मत सोचना कि हमने तुम्हारे लिए कुछ किया है। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने लिए। इस बलात्कार ने उस बलात्कार को रोका है जो हर उस औरत के साथ होता है जो अपनी अंतरात्मा को मारती है। हम अनपढ़ गंवार भले ही हैं, लेकिन एक बात जो हमारी अम्मा ने बचपन में कहा था ना, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। उन्होंने कहा था कि अपनी अंतरात्मा को मारना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसी के बाद सारे पापों की शुरुआत होती है। हम नहीं जानते कि अपने बेटे को सजा दिलाकर हमने माँ का फर्ज निभाया या नहीं, लेकिन किसी की बेटी को इंसाफ दिलाकर हमने एक औरत होने का फर्ज निभाया है। सीएम साहिबा, मीटिंग का टाइम हो गया, चलें। खुश रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.